दोस्तों आईपीएल 2024 से स्टार्ट होने में अब मात्र 2 दिनों का समय रह गया है और इसी बीच मुंबई की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुंबई ने खुद को ट्रोल करवा लिया। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं क्रिको आकाश। इस ट्रोल के बीच में फंस गए हमारे नए ऑफिशियल मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या। इससे पहले हार्दिक पांड्या ने अपने व्यू रखते हुए कहा था कि मैं इस बात का परवाह नहीं करता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या पिछले 4 महीने से एमआई के फैंस के निशाने पर है और इसके पीछे की वजह यह है कि मुंबई की कैप्टन रोहित शर्मा के बजाय हार्दिक पांड्या को दे दी गई है और इसलिए मुंबई फैंस हार्दिक पांड्या से गुस्सा है और हार्दिक ने इसको शुरू से ही अवॉइड किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की है कि फैंस इनको बोल क्या रहे हैं। हार्दिक की यह स्ट्रेटेजी तो पिछले दिनों काम कर रही थी क्योंकि वो मीडिया में नहीं आ रहे थे और न मीडिया के सामने खुलकर कुछ बोल रहे थे। अपनी इंजरी से वापस आकर चुपचाप से एमआई के कैंप में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच हर तरफ से लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ट्रोल कर रहे थे। आईपीएल आ गया, अब हार्दिक पांड्या फिट हो गया है, कहीं वर्ल्ड कप में वो फिर से अनफिट न हो जाए। पर इस सब के बीच हार्दिक ने अपने ट्रोलर्स कोई भी परवाह नहीं की, उनको जो मन में आया वो आराम से करते रहे। पर वो शायद लगता है कि मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना तैयारी के आ गए थे कि उन्होंने एक पत्रकार को कुछ जवाब ही नहीं दे पाया और साथ साथ मुंबई के कोच भी शौक रह गए। फिर पत्रकार ने माउक वाचर जी से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा। उनका सवाल था कि मुंबई ने रोहित को आखिर कैप्टन से क्यों हटाया और हार्दिक को कैप्टन क्यों बनाया। और इसी सवाल के पूछ जाने पर मुंबई के कोच माउक वाचर का चेहरा सुन्न हो गया और फैंस ने उनकी मन की बात पढ़ ली। पर इसके बाद भी मुंबई के कोच ने कोई भी जवाब नहीं दिया और इसके बाद हार्दिक से 2 खतरनाक सवाल पूछे गए। पहला, क्या हार्दिक कैप्टनशिप से कोई क्लोज है? हालांकि हार्दिक ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, क्या गुजरात से मुंबई आते समय उन्होंने क्या शुभमन गिल को कोई टिप्स दिया था? और इस सवाल पे हार्दिक हंसने लगे और इसके बाद मुंबई फैंस के अंदर जितना गुस्सा था ये गुस्सा और बढ़ गया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और उनकी ट्रोलिंग इस कदर तक बढ़ गई कि रिप हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। हार्दिक से यह भी पूछा गया कि क्या एमआई में वापसी के बाद आपको रोहित शर्मा से बात हुई है? तो इन पे हार्दिक ने कहा हाँ भी और ना भी। अरे कहना क्या चाहते हो? और इस पर फैंस ने कहा कि हार्दिक आखिर कहना क्या चाहते हैं? अगर मुंबई के फैंस तो इन पर हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कि हार्दिक चाहे जितना भी कहते कि रोहित का हाथ हमेशा हार्दिक के कंधे पर है और इनसे शायद उनको मदद मिलेगी, पर आज तक जितनी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है सब रोहित शर्मा ने जिताई है और शायद हार्दिक इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बड़े सारे लोग का यह भी मानना है कि जिस तरह से कोलकाता ने सौरव गांगुली के पानी को हटाकर गौतम गंभीर को दे दी गई थी और गौतम गंभीर ने कोलकाता को 2-2 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, वही काम अगर हार्दिक पांड्या कर देते हैं तो जो फैंस आज हार्दिक को ट्रोल कर रहे हैं वही फैन हार्दिक के फैन बन जाएंगे। बड़े सारे फैंस का ये भी कहना है कि हार्दिक को अगर टीम ही लीड करना था तो वो गुजरात की टीम को लीड करते और अगर उन्हें मुंबई में ही रहना था तो वो आखिर मुंबई से गए ही क्यों थे। अगर वो अभी मुंबई में वापस आ भी गए हैं तो मुंबई में आकर अपने कैप्टन को हटा क्यों दिए? ये मुंबई के फैंस ये सब आईपीएल में कैसे चलेंगे ये तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रोहित के फैंस और हार्दिक के फैंस दोनों 2 गुटों में बैठ गए हैं। और शायद खबर ये भी आ रही है कि 2025 में रोहित शर्मा चेन्नई में से खेल सकते हैं और सिर्फ ये चेन्नई की तरफ से खेलेंगे ही नहीं बल्कि चेन्नई को लीड भी करेंगे। और अगर ऐसा सच होता है तो धोनी के बाद रोहित ही चेन्नई को लीड करेंगे। ये सारी बातें जो है वो कहना आपने अपने नजरिए से फैंस का है और आप भी अपने नजरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।